जनपद में बुधवार को बेमौसम झमाझम बारिश हुआ, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार दो दिन बारिश की संभावना थी। बुधवार को जनपद में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई, आगे मौसम सामान्य रहेगा। अब आगे तीन दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, अभी तक कहीं से भी बारिश की क्षति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर कहीं से भी कुछ क्षति की सूचना प्राप्त होती है तो राज्य आपदा मोचन निधि के द्वारा सहायता दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, मेरा नाम गौतम गुप्ता है, मैं जिला आपदा विशेषज्ञ गोरखपुर के पद पर कार्यरत हूँ। सर, बारिश हुई सर कितना? देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो हम लोगों को मतलब पूर्वानुमान दिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली कल और आज के लिए था, और आज एक दो जगहों पे हल्की बूंदाबांदी हुई है, और बाकी आगे के जो मौसम के बारे में जो कहा गया है वो सामान्य मौसम है। सर, आगे क्या संभावना है? अभी तीन दिनों का जो आगे का अलर्ट है वो उन्होंने सामान्य का दिया हुआ है, तभी कोई ऐसा कोई पूर्वानुमान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। सर, आज की बारिश से कहीं कुछ नुकसान संग्रह? देखिए, अभी सभी तहसीलों से कांटेक्ट किया जा रहा है, कहीं पर भी अगर कोई क्षति हुई है तो उसके संबंध में संबंधित तहसील द्वारा सूचना प्राप्त की जाएगी और उन्हें राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन से समुचित सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।